हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स टाइम टू नो कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ होंडा की सीआरवी पे, और बात करेंगे इस कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर और लास्ट में हम बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें इस कार की इंजन परफॉर्मेंस की। तो हमको इस कार में इंजन मिलता है 1.6 लीटर का डीजल इंजन, पावर मिलती है 120 पीएस एट 4000 आरपीएम, टॉर्क मिलता है 300 न्यूटन मीटर एट 2000 आरपीएम। तो फ्रेंड्स, बात करें इस कार के फ्रंट लुक की, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे फुल्ली स्टाइलिश हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि टोटल एलईडी फंक्शन हेडलैम्प मिलते हैं हमको ऑटो फंक्शन के साथ। यहाँ पे आपको डीआरएल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, डे टाइम रनिंग लाइट। इस कार के फॉग लैम्प की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको फॉग लैम्प भी इस कार का फुल्ली एलईडी मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं विद क्रोम गार्निश के साथ। और बात करें इस कार के मेन हेड फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलता है सिग्नेचर टाइप फ्रंट ग्रिल्स क्रोम गार्निश के साथ विद द बैजिंग ऑफ होंडा। होंडा की बैजिंग भी मिलती है आपको यहाँ पे फ्रंट में। इस कार के साइड पोर्शन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये साइड लुक मिलता है इस कार का। लेंथ मिलती है इस कार की 4.5 मीटर की, विड्थ मिलती है 1.8 मीटर की, और हाइट मिलती है 1.6 मीटर की। व्हील बेस की बात करें फ्रेंड्स, तो व्हील बेस मिलता है आपको 2.6 मीटर का। इस कार के व्हील साइज़ की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको इस कार की व्हील साइज़ मिलती है 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, फ्रंट और रियर आपको मिलता है डिस्क ब्रेक। और बात करें इस कार के ORVM की, तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ORVM मिलता है इस कार में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है ORVM पे भी। और यहाँ पे आप देखें तो एक क्रोम की स्ट्रिप दी हुई है, जो कि इस कार के विंडो को पूरी तरह से बाउंड्री की हुई है, जो कि काफ़ी कार को कूल लुक देती है साइड लुक की तरफ से। तो फ्रेंड्स, बात करें इस कार के डोर की, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको डोर पे मिलते हैं साइड क्लैडिंग फ्रंट और रियर, और यहाँ पे क्रोम की एक स्ट्रिप मिलती है डोर पे ही, और मैट क्रोम स्ट्रिप और मैट फिनिश में मिलता है आपको डोर क्लैडिंग। बात करें इस कार की रियर लुक की, तो आपको रियर लुक में सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे आपको बैक वाइपर, और यहाँ पे आप देखें तो फुल्ली LED टेल लैंप्स मिलते हैं आपको होंडा CR-V में। कुछ कुछ अर्टिगा का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है CR-V के बैक पोर्शन से। यहाँ पे आप देखें तो ID.Tech की बैजिंग मिलती है यहाँ पे। नीचे बम्पर पे आपको सेंसर और रिफ्लेक्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे देखें तो आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, LED है यहाँ पे भी, शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको रूफ पे। CR-V की बैजिंग मिलती है आपको टेल गेट पे। यहाँ पे होंडा की बैजिंग विथ क्रोम गार्निश। आइए बूट ओपन करके देखते हैं हम इस कार का। डुअल चैम्बर बूट स्पेस मिलता है आपको, 150 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है होंडा CR-V में। यहाँ पे देखे तो आपको लगेज लाइट मिलती है, यहाँ से आप थर्ड रो को फ्लिप भी कर सकते हैं। थर्ड रो में आपको रिक्लाइन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सीट में। थर्ड रो को फ्लिप करने के बाद 472 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे, और सेकेंड और थर्ड रो को फ्लिप करने के बाद टोटल 936 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको होंडा CR-V में। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया है, पर्पज़ के हिसाब से आप यहाँ पे बोतल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ आपको ये सुविधा मिलती है। थर्ड रो में आपको इंडिपेंडेंट AC मिलता है यहाँ पे रूफ पे। यहाँ से आप सीट को वापस स्टैंड बाई मोड पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसका अलग अलग तरीके से सेट किया है कंपनी ने। होंडा CR-V के साथ 3 ईयर और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है होंडा CR-V का। यहाँ पे आपको लेन वॉच कैमरा मिलता है होंडा CR-V में। तो फ्रेंड्स, ये है इस कार का एक्सटीरियर। तो बात करते हैं हम इस कार की इंटीरियर की, कि क्या क्या हमको इस कार में इंटीरियर मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ड्राइवर साइड डोर ओपन किया हुआ है। डोर के निचले हिस्से पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक रबड़ की शीट मिलती है, जो कि नॉइस को कम करने या शायद
थोड़ा एक्स्ट्रा वाटरप्रूफ बनाने के लिए ये चीज़ दिया हुआ है कंपनी ने डोर के निचले हिस्से पे। बात करें इस कार के डोर के कलर की, तो डुअल टोन कलर मिलता है आपको यहाँ पे, वुडन फिनिश, और यहाँ पे देखें तो आपको सिल्वर मैट फिनिश और सिल्वर डोर ओपनर मिलता है। यहाँ पे आप देखें तो आपको मिलते हैं कुछ कंट्रोल्स, RVM के कंट्रोल्स, मेन लॉक और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको 1 लीटर वाटर होल्डर और स्पीकर का ऑप्शन मिलता है डोर के निचले हिस्से पे। और बात करें इस कार के कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड विंडो के साथ साथ बाकी जो आपके विंडोज़ बचते हैं उसमें भी आपको ऑटो डाउन ऑटो अप का फंक्शन है विद एंटी पिंच फंक्शन, यानी यहाँ पे आपको चारों विंडो पे आपको एंटी पिंच फंक्शन यहाँ पे मिलता है। फ्रेंड्स बात करें इस कार के एडजस्टेबिलिटी की, सीट एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे देखें तो फुल्ली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलती है यहाँ पे, आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको मिलती है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस कार में अंदर बैठ के क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमको इस कार में। तो फ्रेंड्स मैं बैठा हूँ इस कार के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे शो करती है होंडा की बैजिंग, फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल। और यहाँ पे देखें इस कार के इंटीरियर में तो आपको यहाँ पे मिलता है ट्विटर, यहाँ पे नीचे देखें तो AC विंड, और यहाँ पे देखें तो आपको वुडन फिनिश का एक वर्क मिलता है, और यहाँ पे एक सिस्टम लाइट ब्लिंक करती हुई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ देखें तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स, कॉल के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलते हैं। मैट फिनिश सिल्वर की मिलती है, यहाँ पे होंडा की बैजिंग। यहाँ पे देखें तो आपको ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे आपको मिलता है एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का शो करता है कार ऑन होने के बाद होंडा CR-V का। और यहाँ पे फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है आपको। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे देखें तो आपको एक पार्ट में कुछ वार्निंग लाइट शो कर रहा है इस कार का, और यहाँ पे कूल हीट का टेम्परेचर दिया हुआ है। बीच में आप देखें तो आपको फुल्ली डिजिटल स्क्रीन मिलती है जिसपे आपको RPM मीटर जो है एनालॉग मिलता है, और स्पीडोमीटर देखें तो वही आपको डिजिटल मिल रहा है। और कार ऑन होने के बाद एक बार सारे सिस्टम को चेक करती है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट पैनल के। और यहाँ एक तरफ देखें तो आपको फ्यूल लेवल इंडिकेशन, पार्किंग ब्रेक कंट्रोल्स और सीट बेल्ट इंडिकेटर शो कर रहा है। और लेन वॉच कैमरा ऑन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन, हेडलाइट लीवर पे एक बटन मिला है। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे आपके 7 इंच के इंफोटेनमेंट पे आपको ये कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर वापस उस बटन को दबाते ही ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पे गियर शिफ्ट अप लीवर मिलता है यहाँ पे प्लस साइन के साथ। और यहाँ पे देखें तो गियर शिफ्ट डाउन इंडिकेटर और वाइपर के कंट्रोल्स। और यहाँ देखा जाए तो आपको मिलता है डुअल AC विंड्स, यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो आपको कुछ इस तरीके की सेटिंग्स दी हुई है, ऑडियो फोन इन्फो सेटिंग, स्मार्टफोन कनेक्शन और ऐप लिस्ट की, कुछ इस तरीके के और भी सेटिंग्स इस इंफोटेनमेंट में अवेलेबल है। यहाँ पे अभी इसकी क्लॉक सेट नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक कंट्रोल्स, और यहाँ पे देखें तो आपके चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है, 2 कप होल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे देखें तो आपको आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको मिलती है यूटिलिटी स्पेस, काफ़ी ह्यूज स्पेस मिलती है आपको यहाँ पे। और यहाँ देखें तो आपको मिलता है वुडन फिनिश का एक वर्क जो कि काफ़ी इंटीरियर को लग्जरी बनाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है डैशबोर्ड। को ड्राइवर साइड बात करें तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर मिलता है, और यहाँ पे भी पावर विंडो कंट्रोल्स, मेन लॉक अनलॉक और सिल्वर डोर ओपनर मिलता है। यहाँ पे आपको देखें तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे भी देखने को मिलता है। पियानो फिनिश के साथ आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पे देखें तो आपको फिक्स ग्रैब मिलता है स्लो मूव के साथ। यहाँ पे देखें तो साइड कर्टेन एयरबैग की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको ट्विटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑटो IRVM मिलता है, ये सनग्लास होल्डर। तो फ्रेंड्स ये है इस कार के सनरूफ के कंट्रोल्स, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलते हैं आपको इस कार में।
यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस कार में यहाँ पे देखें तो डैशबोर्ड पे भी एक स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखें तो आपको स्पीकर मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस कार के रियर सीट्स पे बैठ के। तो फ्रेंड्स यह है इस कार का रियर डोर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको मिलता है डुअल टोन कलर, यहाँ पे देखें तो आपको मिलती है वुडन फिनिश, यहाँ पे आपको मिलता है ट्विटर, नीचे स्पीकर का ऑप्शन मिलता है और 1 लीटर बोतल होल्डर और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट भी मिलता है, कुछ इस तरीके की मिलती है आपको इस कार की एंट्री काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इस कार में। तो फ्रेंड्स चलिए बैठ के देखते हैं इस कार में। तो फ्रेंड्स लेगरूम काफ़ी अच्छा मिलता है आपको इस कार में और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है इस कार में आपको। यह इसकी सनरूफ, काफ़ी बोल्ड सनरूफ दिया है कंपनी ने सीआरवी में। यहाँ पे देखें तो आपको मिलता है डुअल एसी विंड, यहाँ पे नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, डुअल चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे देखें तो आपको आर्मरेस्ट मिलता है सीट में, ट्विन कप होल्डर का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हैं आप इसकी सेकेंड रो की सीट्स। यहाँ पे देखें तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं तीनों रो में, ये आपकी रियर सीट्स, थर्ड रो सीट्स। ये आपकी केबिन लाइट, दो केबिन लाइट का ऑप्शन मिलता है सेकेंड रो में। यहाँ पे भी देखें तो आपको सिल्वर डोर ओपनर, ट्विटर का ऑप्शन है, पावर विंडो कंट्रोल और नीचे स्पीकर और 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन मिलता है। कुछ इस तरीके का दिखता है आपका फ्रंट का डैशबोर्ड, काफ़ी बोल्ड और सॉलिड डैशबोर्ड बनाया है कंपनी ने सीआरवी का, काफ़ी कूल लुक देता है आपको रियर से इसका डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स ये है इस कार का इंटीरियर। तो फ्रेंड्स बात करें इस कार के सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको सेफ्टी फीचर्स में मिलते हैं 6 एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिलता है आपको, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको ABS विथ ABD मिलता है आपको ब्रेकिंग सिस्टम में, ब्रेक असिस्ट मिलता है आपको, ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर मिलता है, लेन वॉच कैमरा, मल्टी व्यू रिवर्स कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइन, रियर पार्किंग सेंसर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, वॉक अवे ऑटो लॉक, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंड क्रेज, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सिक्योरिटी अलार्म एंड इमोबिलाइजर। तो फ्रेंड्स ये हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स। तो फ्रेंड्स बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो आपकी इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 28.27 लाख से 32.7 लाख तक इसकी प्राइस है। ये आपका एक्स शोरूम अप्रॉक्स है, आप एक्चुअल रेट पता करने के लिए आप नज़दीकी डीलर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।